मध्य प्रदेश के शहडोल में मौसम की खराबी और फ्यूल में कमी के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर नहीं भर पाया उड़ान। कल शहडोल में ही रुके राहुल। शहडोल में तकनीकी कारणों के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड उड़ान नहीं भर सका। शहडोल से जबलपुर के लिए राहुल हो रहे थे रवाना। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री केपी मलिक ने अखिलेश यादव पर किया हमला, कहा विपक्ष का काम है सवाल उठाना। पीएम और सीएम योगी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करते हैं। कांग्रेस के वायरल हुए पोस्टर पर बोले सीएम मोहन यादव, कहा इससे पता चलता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान ली हो। राजस्थान के जालौर से बीएसपी उम्मीदवार लाल सिंह ने अपना नामांकन वापस लिया। बसपा के प्रदेश महासचिव बोले लाल सिंह फिर किसी के हाथों बिक गए, कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को समर्थन दे सकते हैं लाल सिंह। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का विपक्ष पर हमला, कहा यूपी में जीरो पर आउट हो जाएगी सपा बसपा और कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। और वहीं कंगना पर टिप्पणी करने को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस को चेतावनी दी है, कहा अगर कांग्रेस कंगना रनौत पर इस तरीके से टिप्पणी करेगा तो माफी नहीं मिलेगी। पंजाब के फरीदकोट लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस का किसानों ने विरोध किया, किसानों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को कहा विवादों की रानी, कहा कि कंगना ने दलाई लामा जैसे आध्यात्मिक नेताओं का अपमान किया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर पलटवार, कहा कांग्रेस में मची है भगदड़, राहुल गांधी को हिंदी सही नहीं आती और इनको गिनती समझ नहीं आती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बड़ा बयान, कहा बीजेपी में शामिल होने का आंकड़ा पहुंचेगा 4 लाख के पार, रिकॉर्ड संख्या में बीजेपी से जुड़ रहे हैं लोग। और इस वक्त बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं, तरसेम सिंह हत्या मामले में शूटर अमरजीत सिंह एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। हरिद्वार एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में अमरजीत ढेर हो गया कैद, तो उसका साथी फरार होने में कामयाब हुआ। फिलहाल उसके साथी की तलाश जारी है। आपको जानकारी दें 28 मार्च को नानक मत्ता में हत्या हुई थी, उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर, डीजीपी अभिनव कुमार ने जानकारी दी कि तरसेम सिंह की हत्या के मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह का के हत्या में अब जो शामिल थे उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। देखिए एक मिनट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह के हत्यारों का उत्तराखंड एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। जानकारी के मुताबिक 28 मार्च को बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले हत्यारे को लेकर उत्तराखंड एसटीएफ को खबर मिली थी कि वो अपने एक साथी के साथ भगवानपुर क्षेत्र में छिपा हुआ है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची तो हत्यारोपी अमरजीत सिंह ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में अमरजीत सिंह मारा गया। वहीं उत्तराखंड पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड की साजिश में शामिल एक अपराधी मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ की टीम आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं चुनावी अपडेट क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीलीभीत में चुनावी रैली है, 9:30 बजे का वक्त बताया गया है। मंगलवार है, 4 दिन के लिए दक्षिण के दौरे पर रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है और इसी के साथ चेन्नई में प्रधानमंत्री का आज शाम भव्य रोड शो होने वाला है, मेगा रोड शो देखने को मिलेगा। बताते हैं असम में गृह मंत्री अमित शाह को 2 जनसभाओं को संबोधित करना है, यानी कि असम में मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आगे का अपडेट क्या है वो भी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की आज 3 जनसभाएं
हैं। इसके पहले कल भी उन्होंने 3 जनसभाएं की थी जो कि महाराष्ट्र में की थी और आज भी 3 जनसभाओं का कार्यक्रम है। पीलीभीत, रामपुर, हापुड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जनसभाएं होनी है जहां जाकर के वो जनता को संबोधित करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में यानी कि रहने वाले हैं। राज ठाकरे की मुंबई में जनसभा है, मुंबई महाराष्ट्र में भी लगातार क्योंकि सीट बंटवारों को लेकर के बात चल रही है। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी का चुनाव प्रचार होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बड़ा नाम है जयंत चौधरी और वहां पर मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी का आज चुनाव प्रचार होने वाला है। चुनावी अपडेट हमने आपको दी है, आज क्या कुछ होने वाला है क्योंकि चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसे में हर कोई तैयारी करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। जाता और अब तो यहां पर आती हो गई है, विरोध पर बैठ गए हैं, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, अगर देखा जाए तो क्या हमले को सवाल उठता है कि क्या हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश है? क्या ईडी पर जो हमला हुआ उस अधिकारी के जिस तरह से घायल हुआ, क्या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश है? क्या एनआईए पर जो हमला हुआ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश है? आखिर जांच एजेंसियों को अपनी काम करने से कैसे रोका जा सकता है? और इलेक्शन कमीशन जो इस समय पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन के पास जाने का क्या तुक बनता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन लॉ एंड ऑर्डर को मॉनिटर तो कर रहा है लेकिन किसी भी एजेंसी की कार्रवाई पे कैसे रोक लगा सकता है? बड़ी घटनाओं की जांच कर रही है एनआईए, छोटी घटनाओं की जांच नहीं करती है। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। संदेश खाली का मामला आपने देखा, इस तरह की मामलों की अगर जांच हो रही है तो जो टीएमसी है उसका सीधे कहना है कि ये हमारे खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और सेंटर की तरफ से की जा रही है। इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन के पास गए, इलेक्शन कमीशन में धरना पर बैठे लेकिन वहां पर पुलिस ने हटा दिया। और वहां जब मंदिर मार्ग थाने ले आई तो आप देखिए कि मंदिर मार्ग थाने में यहां सारे नेता अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं और जिसमें कि डेरेक ओब्रायन दिख रहे हैं, डोला सेन दिख रही हैं, तमाम दूसरे नेता हैं जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम 24 घंटे तक ये धरना देंगे और अपनी बात रखेंगे और उसके बाद अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम कोशिश करेंगे कि आगे हम अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे, इसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनकी है लेकिन सवाल यही है कि क्या किसी एजेंसी की जांच जो होती है, जो जिसके जिसमें सबूत है, सबूत को लेकर के एजेंसी जांच कर रही है, उस जांच के आधार पर क्या ये कहा जाए कि आरोपियों को छोड़ दिया जाए और एजेंसी के जो चीफ हैं या एनआईए के चीफ हों, ईडी के चीफ हों, सीबीआई के चीफ हों, उनको बदल दिया जाए? ये एक मांग बड़ी अटपटी सी लगती है लेकिन फिलहाल सियासत है और यहाँ पे टीएमसी के नेता धरना दे रहे हैं। जी, और जी, देखिए कि बिल्कुल यानी धरना लगातार चल रहा है, वापस लौटेंगे अखिलेश, लेकिन ये 3 तस्वीरें जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं इन्हें आप देख लीजिए कि ईडी ऑफिस पर एक तरफ टीएमसी के नेता धरने पर बैठे हुए हैं, मंदिर मार्ग थाने में धरना चल रहा है और एनआईए की टीम पर हमला हो रहा है। जांच एजेंसियां जो अपना काम कर रही हैं वो अपने कार्रवाई के लिए पहुंच रही हैं लेकिन उन पर हमला हो रहा है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है और जो अधिकारी हैं उन्हें पीटा तक जा रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर ये तमाम सांसद धरना देने के लिए बैठे हुए हैं, मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देने बैठे हुए हैं और किस तरह से 5 अप्रैल को एनआईए की टीम पर हमला होता है। पश्चिम बंगाल के भूपति नगर मामले में जब एनआईए की टीम जांच पड़ताल करने पहुंची थी और यहां पर मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हमला होता है और अफसर चोटिल हो जाते हैं, और इससे पहले भी 5 जनवरी के दिन ईडी की टीम पर भी हमला हुआ था। और अब जो ये सांसद और पूर्व सांसद धरने पर बैठे हुए हैं ये मांग कर रहे हैं कि एनआईए के डीजी और सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर को वहां से हटा दिया जाए। दिपेश हमारे साथ अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश, यहाँ ये समझना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं क्या ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप ईडी, सीबीआई, एनआईए के डायरेक्टर को हटा दीजिए और जो पूर्वी मेदिनीपुर में हुआ है उसे लोग भूल जाएं?
बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि टीएमसी की तरफ से उस मामले को डाइवर्ट करने की एक कोशिश है कि जिस तरह से जांच चल रही है और जिस तरह से जांच में परतें खुलकर सामने आ रही हैं, जिन जिन लोगों को ईडी हो या एनआईए हो या सीबीआई हो गिरफ्तार करने पहुंची है, उनकी भूमिका क्या है, वो किस तरह से अपराध में, कितने गंभीर अपराध में शामिल है, ये सब बातें सामने आ रही है। उसको उस मामले को लेकर के कहीं माहौल चुनाव के समय बदले ना, एक दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश है, जिसकी वजह से अभी तक ये सारी बातें पश्चिम बंगाल में चल रही थी, लेकिन अब चूंकि दिल्ली में यह धरना चल रहा है और नेशनल लेवल पर यह बताने की कोशिश है कि विक्टिम बनने की कोशिश है एक तरह से कहा जाए कि टीएमसी की, कि उनके खिलाफ वाकई अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो तथ्य है, आपने देखा होगा कि जो भी मामले जांच कर रहे हैं, या ईडीआई हो, सीबीआई हो, या एनआईए हो, वो आज के मामले नहीं है, वो बहुत पुराने मामले हैं जिसपे की लगातार जांच चल रही थी और उसमें सबूत मिलने के बाद गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल, इसके लिए कहा जा सकता है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जांच में सहयोग तो नहीं, उल्टा जांच अधिकारियों को ही मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चुनावी सरगर्मी की। चुनावी सरगर्मी तेज है और राजनीतिक दल और नेता अपने अपने चुनावी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं चुनाव रैली करने पहुंचे तो शहडोल में फंसते हुए नजर आए। दरअसल राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए शहडोल पहुंचे थे और उनका हेलीकॉप्टर उड़ान ही नहीं भर सका। कहा तो ये जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, लेकिन एक तरफ ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया था, ये एक बड़ी वजह हेलीकॉप्टर न उड़ने की रही। आपको बता दें, चुनावी रैली को कंप्लीट करने के बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में सवार हुए, मगर एकाएक हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरी तो फिर उन्हें वापस उतरकर एक होटल जाना पड़ा और पूरी रात राहुल गांधी को शहडोल के ही एक होटल में गुजारनी पड़ी। तो देखिए, एक तरफ राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर तो नहीं उड़ सका, लेकिन राहुल गांधी पर शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए कहा है कि राहुल के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया है। ये कहना शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का भी फ्यूल खत्म हो गया है और कांग्रेस का भी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। इस तरह से उन्होंने चुटकी लेते हुए तमाम बड़ी बातें कही है। तो एक तरफ राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर था वो टेक ऑफ नहीं कर सका और दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है कि तकनीकी खराबी हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने दावा किया है दूसरी तरफ कि इंजन ही खत्म हो गया था, फ्यूल ही खत्म हो गया था। राहुल गांधी जी आए थे शहडोल, उनका विमान नहीं उड़ा, बोले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया तो राहुल जी हेलीकॉप्टर में फ्यूल का दिया। फ्यूल खत्म होने के कारण राहुल गांधी का विमान टेक ऑफ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस भी तो टेक ऑफ नहीं हो रही है और ये टेक ऑफ होने भी नहीं वाली। राहुल गांधी जी को कितना भी टेक ऑफ करो, मैडम सोनिया गांधी, राहुल टेक ऑफ नहीं होने वाले, कांग्रेस सब रसातल में जाने वाली है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर चुटकी ली है और कांग्रेस का ये दावा है कि तकनीकी खराबी है, तो बीजेपी ये कह रही है फ्यूल खत्म हो गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य विजय जुड़ गए हैं। सत्य विजय, मैं खुद शहडोल से आती हूँ और जो स्थानीय लोग हैं वो साफ तौर पर ये दावे कर रहे हैं कि फ्यूल खत्म हो गया, यानी कि कांग्रेस तो पूरी तरीके से तैयार होकर के चुनावों में ही नहीं उतरी है और बीजेपी जो दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस के दावे कितने निराधार है, जब स्थानीय लोग ये कह देते हैं कि यहाँ पर जो फ्यूल है वो ही खत्म हो जाता है। जी देखिए, कल राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सिवनी में, शहडोल सिवनी में प्रचार के दौरान लिए आए थे, जहां पर की कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम, वहां पर उन्होंने सभा की और सभा करने के बाद जब उन्हें वापस रवाना